अरे मन, तुमने कभी कृष्ण नहीं कहा, और ये ऐसे ही बातों में ही बीत गया जीवन। और देख के देखो ना, प्रैक्टिकल करके देखो आप अपनी लाइफ में, व्यर्थ की बातों में ज्यादा समय निकला हमारा। एक किसी का फोन आ जाए, पता ही नहीं चलता 15-20 मिनट किस किस की झूठ बोली सांच बोली, किसी की सुनने कोई लेना देना नहीं, हम उसको जानते तक नहीं, उसकी बुराई सुनने में 20 मिनट निकाल दिए। अच्छा, ये 20 मिनट निकल गए, ठीक, ईमानदारी से कल्पना करो, डॉक्टर कह देगा 3 ही दिन है इसके पास में, और बेटा है अमेरिका में, अब उसको पता चला 3 ही दिन है, उसकी फ्लाइट वो पकड़ ली, जो भी लेटेस्ट फ्लाइट थी तुरंत जो आ सकती थी, जो क्या बोलेंगे उसको, नेक्स्ट फ्लाइट जो थी जितनी भी जल्दी हो सकती पकड़ ली। अब उस फ्लाइट को पकड़ने ने, उसने तो पकड़ लिया, वो नागपुर एयरपोर्ट उतर गया, और लास्ट 20 मिनट्स वो पहुंचने वाला है, उसका एयरपोर्ट लैंडिंग हुआ और किसी का प्राण निकल गया। अब बताओ वो 20 मिनट कीमती थी कि नहीं, और 20 मिनट जिंदा रहता तो वो बेचारा उसका आना सफल हो जाता, और इसको भी कोई हिसाब किताब बताना होता वो बता जाता कि इसको कितना दिल देना है। लेकिन वो 20 मिनट जो उसने व्यर्थ बर्बाद किए वहाँ फोन पे बात करके, वो यहाँ 20 मिनट मिसयूज हो गए, उसके काम नहीं आए। व्यक्ति अपनी जिंदगी को ये समझ रहा है मुझे बहुत जिंदा रहना, इसलिए कुछ भी गड़बड़ करता है, लेकिन एक एक सेकंड कीमती है आपकी, एक एक सेकंड कीमती है, दिस इज अ नेवर रिटर्निंग टाइम। अगर गया सो गया, इसलिए व्यर्थ बर्बाद नहीं करनी चाहिए।